नमस्कार एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में झारखंड पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर कोल्हान के 1230 पेट्रोल पंप रहे 12 घंटे की हड़ताल पर, लोगों को हुई भारी परेशानी। वैट की दर को कम करने की मांग इस हड़ताल के जरिए की पंप मालिकों ने। एमजीएम अस्पताल की बदहाली से करीब मरीज हैं परेशान। मॉर्चरी खराब होने के कारण इमरजेंसी वार्ड में शव को रखा गया है बर्फ से ढककर। इसके पिघलते पानी से मरीज है बेहाल। लचर व्यवस्था को कर रही है बयां। टाटा मोटर्स कॉन्वॉय चालकों ने न्यूनतम मजदूरी की मांग पर आज से फिर शुरू किया जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना। उपायुक्त के आदेश के बाद भी नहीं मान रही कंपनी, फिर से आंदोलन की राह पर कॉन्वॉय चालक। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया मेगा ब्लड डोनेशन कैंप। सोसाइटी इस दिवस को मनाएगी पखवाड़े के रूप में। शहरवासियों ने भी दिया अपना योगदान। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में झारखंड पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर कोल्हान के 1230 पेट्रोल पंपों में 12 घंटे की हड़ताल रही। इस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पेट्रोल पंप मालिक राज्य सरकार से वैट की दर को कम करने की मांग इस सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से करते नजर आ रहे थे। झारखंड पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कोल्हान के सभी 1230 पेट्रोल पंप में सांकेतिक हड़ताल देखी गई, जहां सभी पेट्रोल पंप में फैला सन्नाटा इनकी सफलता को बयां कर रही थी। वहीं पेट्रोल पंप बंद होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सांकेतिक हड़ताल के संबंध में मीडिया से बात करते हुए झारखंड पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा कि दूसरे राज्यों की तर्ज पर वैट के दर को कम करने की मांग राज्य सरकार से इस सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से की जा रही है, जहां वैट के कारण 500 पेट्रोल पंप मालिक आज भुखमरी के कागार पर आ गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार वैट की दर अगर कम नहीं करती है तो राज्य में पेट्रोल का व्यापार नहीं बढ़ेगा, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का भी नुकसान होगा। बंगाल से जो रेट का डिफरेंसेस है, यूपी से जो डिफरेंसेस है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हमारा सेल लॉस हुआ है। 1200 पेट्रोल पंपों में 500 पंप जो है बंदी के कगार पर है। यदि सरकार वैट कम करती है तो इससे राजस्व भी बढ़ेगा, क्योंकि धंधा बिजनेस झारखंड से ऑपरेट होगा। 500 पंप का भविष्य बच जाएगा और जनता को भी 3-4 रुपये का लाभ हो जाएगा रेट कटौती होने पर। इसी को लेकर के हम लोगों ने ये एक सांकेतिक बंदी किया। सरकार से उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार इसमें हमारी बात मान ले। जमशेदपुर का एमजीएम हॉस्पिटल अपने कारनामों के कारण हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। आज शीत गृह खराब होने के कारण इमरजेंसी वार्ड में शव को बर्फ के सहारे रखा गया, जो हॉस्पिटल की लचर व्यवस्था को बयां कर रही थी। कोल्हान का एकमात्र सरकारी अस्पताल, जहां राज्य सरकार के द्वारा गरीब लोगों को मुफ्त इलाज के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, मगर अस्पताल की लचर व्यवस्था के कारण यहां इलाज करा रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आज देखने को मिला, जहां मृतक व्यक्ति के शव को बर्फ के सहारे रखा गया था, जिसका बहता पानी आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बना था। इस संबंध में एमजीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक का कहना है कि 1.5 माह पहले शीत गृह खराब होने की सूचना राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दे दी गई थी, मगर अभी तक विभाग की तरफ से किसी तरह की पहल नहीं होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां मृत व्यक्ति के परिजन शव को बर्फ के सहारे रखने पर विवश है। सर्जरी के लिए रिपेयर के लिए कार्यादेश निर्गत किया गया है, 1 से 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। मशीन है, फ्रीजर है, तो उतना टाइम तो लेगा। एजेंसी वैकल्पिक जो यहाँ संसाधन है उसमें जो पुराना फ्रिज है उसको यूज़ करते हैं, और जो मेडिको लीगल है उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हम लोग भेज देते हैं। देखिए, रात में कुछ ऐसा हो जाता है तो कभी कभी या ज़्यादा हो जाने से ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग यह कोशिश। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स कॉन्वॉय चालकों ने अपने न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके तहत इनके द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है।
गौरतलब है कि ये धरना पूर्व घोषित था और लगातार न्यूनतम वेतनमान की मांग इनके द्वारा उठाई गई थी। कई बार इस मामले में वार्ता भी हुई और सरकार की तरफ से इन्हें न्यूनतम वेतन लागू करने के आदेश भी दिए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन को आदेश भी दिया, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा और इनकी मांगे अधूरी ही रह गई। इसके खिलाफ इनके द्वारा सोमवार से जिला मुख्यालय के समक्ष फिर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। इन कॉन्वॉय चालकों के साथ कांग्रेसी नेता भी हैं। इन्होंने कहा कि जब तक कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक इनका धरना जारी रहेगा। धरना इसलिए दिया जा रहा है, कल हम लोग मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से मिले थे। रघुवर दास जी ने कहा कि जब न्यूनतम मजदूरी सरकार लागू कर दी है तो आपको मांग जायज है, हम कोशिश करेंगे। अभी तक सरकार की तरफ जब नहीं जारी हो गया तो आपको न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा। 975 लिस्टेड कॉन्वॉय चालक जो परमानेंट ड्राइवर है, जो बार बार विदेशों में गाड़ी, जब तक टाटा मोटर नहीं बनी थी तब से पहला दिन से हम लोग गाड़ी ढोने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांग को नहीं माना गया है। जब टाटा मोटर को सिर्फ दिख भरमिट का काम जो टीटीसीए का महेश सरन है, वो आदमी दलाल है, वो अपना फायदा पहुंचाने के लिए मजदूर भाइयों को शोषण कर रहा है, इसलिए आज धरना दिया गया। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग धरना स्थल से नहीं उठेंगे। जमशेदपुर में विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस बार सोसाइटी इस दिवस को पखवाड़े के रूप में मना रही है, जो लगातार 15 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। इस मौके पर खुद जिले के उपायुक्त ने पहुंचकर शिविर का उद्घाटन किया, साथ ही सभी रक्तदाताओं से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। लगातार 15 दिनों तक इस रक्तदान शिविर को चलाया जाएगा और इन 15 दिनों में 1500 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रेडक्रॉस द्वारा तय किया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में शहर वासियों ने पहुंचकर रक्तदान किया। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ये 25 सितम्बर से ही हम लोगों ने शुरू किया है और अगले 12 अक्टूबर तक हम लोग चलाएँगे, जो जयप्रकाश नारायण की जयंती है उस दिन तक। और लगभग 1500 यूनिट ब्लड कलेक्शन का हम लोगों का लक्ष्य है इस अवसर पर। जमशेदपुर के जोजोबेड़ा स्थित नोवोको विस्ता कॉरपोरेशन सीमेंट प्लांट के द्वारा सोमवार से कंपनी में पुराने गेट पास पर कार्यरत कर्मचारियों के कंपनी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। कंपनी में कुल 34 पुराने गेट पास पर कार्यरत कर्मचारियों को तुगलकी फरमान के तहत कंपनी के भीतर प्रवेश पर रोक लगा दी गई। बताया जाता है कि वर्ष 1991 से ये सभी कर्मचारी इस प्लांट में कार्यरत हैं। पूर्व में ये प्लांट टाटा कंपनी का सीमेंट प्लांट था, जिसके बाद इसे टाटा कंपनी ने लाफार्ज को दे दिया। लगभग 27 वर्ष लाफार्ज प्रबंधन ने इसे चलाया और पिछले दिनों लाफार्ज प्रबंधन ने इस प्लांट को नोवोको विस्तास कॉरपोरेशन नामक कंपनी को दे दिया। नए प्रबंधन के द्वारा सभी कर्मचारियों को ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है कि सभी को कंपनी के नए गेट पास और नए शर्त के आधार पर कार्य करने होंगे। जबकि पुराने गेट पास पर कार्य कर रहे इन 34 कर्मचारियों ने पूर्व में ही इस मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इस बीच सोमवार से इनकी कंपनी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इससे इन कर्मचारियों में रोष देखा गया। इन कर्मचारियों ने निश्चय कर लिया है कि इस मामले को लेकर वे न्यायालय की शरण में ही जाएंगे। और टाटा स्टील से हम लोग आए हुए थे, या जब सीमेंट प्लांट बना था तब से आने के बाद, लफाज कंपनी आने के बाद, तब से हम लोग का मामला विवाद में चल रहा है लेबर कोर्ट जमशेदपुर में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग को बोला है कि टाटा स्टील का एम्प्लॉई है, और तब से हम लोग का विवाद चल रहा है कि हम लोग टाटा स्टील का एम्प्लॉई है करके। ये कंपनी ज़बरदस्ती हमको एम्प्लॉयमेंट साबित करने के लिए कोशिश कर रहा है और उसके लिए हमको गेट पास के लिए बोल रहा था, गेट पास लो नहीं तो गेट में घुसने नहीं देगा। तो आज वही वाला सिचुएशन आ गया, गेट पे घुसने नहीं दिया, गेट पास बिना। हम लोग करीब करीब 34 साल हम लोग का कोर्ट में विचाराधीन मामला है, कोर्ट में जो बात आएगा उसको खत्म हो। जमशेदपुर के मानगो एमएनएसी के अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उप श्रमायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। लगभग 300 अस्थायी मजदूरों ने उप श्रमायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी मांगों को लेकर विभाग के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की।
मजदूरों ने झामुमो के बैनर तले अपना आंदोलन शुरू कर दिया। आज मानगो क्षेत्र में साफ सफाई का काम मजदूरों ने ठप रखा, साथ ही एक सप्ताह विभाग को अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर एक सप्ताह के भीतर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे उग्र आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। झामुमो नेता श्यामल रंजन सरकार ने कहा कि 300 मजदूरों के पेमेंट का भुगतान सही समय से नहीं हुआ, ईएसआई का भुगतान भी नहीं हुआ, पीएफ की भी इन्हें जानकारी नहीं है। मानगो एमएनएसी के मनमाने रवैये से सभी मजदूर परेशान हैं। मानगो के एमएनएसी के लगभग 300 मजदूरों का ये मामला है। आज विगत 15 सालों से इन लोग कार्यरत है, इन लोग सफाई कर्मचारी है, इन लोग का सही टाइम पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, सरकारी न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा है, पीएफ का पैसा कटौती किया जा रहा मगर इनको कोई सूचना नहीं दिया जा रहा है, ईएसआई का कोई सुविधा नहीं। मजदूर अगर इनसे अगर समस्या का समाधान के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं कि इनको पीटा जाता है, मारा जाता है, 7 दिन के अंदर में अगर उप समायुक्त कार्यालय अगर इनका समस्या का समाधान नहीं किया तो हम लोग अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल कर देंगे एमएनएसी में। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार, सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में पीएचईडी विभाग की लापरवाही के कारण 1 लाख से अधिक लोग इस भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, जहां संवेदक और विभाग के बीच के विवाद के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लोगों की परेशानियों को देखते हुए जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने हस्तक्षेप कर लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाई।
मानगो क्षेत्र में पीएचईडी विभाग के द्वारा जलापूर्ति की जाती है, जहां की आबादी 1,00,000 से अधिक की है। ऐसे में पीएचईडी विभाग निजी ठेकेदारों की मदद से जलापूर्ति लोगों के घर तक पहुंचाने का प्रयास करती है। जहां संवेदक और पीएचईडी विभाग के साथ हुआ करार 30 सितंबर को समाप्त होने से क्षेत्र में जल की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके बाद पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से बंद हो जाने से क्षेत्र की 1,00,000 से अधिक की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस गई। वहीं पानी की समस्या को लेकर लोगों के आक्रोश को बढ़ता देख मानगो नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी ने जिले के उपायुक्त अमित कुमार से वार्ता कर अविलंब जलापूर्ति शुरू करने का आदेश जारी किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मानगो नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पुराने संवेदक से ही जलापूर्ति शुरू करने का आदेश उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार जारी कर दिया गया है, जिसके बाद जलापूर्ति शुरू होने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं संवेदक के द्वारा जीएसटी पर आपत्ति को बैठक कर दूर कर लिया जाएगा। मानगो में पेयजल की आपूर्ति अभी थोड़ी देर में घरों तक पहुँच जाएगी। इसमें मुख्य रूप से संवेदक के तरफ से दिक्कत था कि उनके एग्रीमेंट में कुछ जीएसटी का इशूज है जो इन्वॉल्व है, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा पानी सप्लाई किए हैं उससे संबंधित उनकी अपनी मांगे हैं। इसके लिए हम लोग बाद में बैठक के लिए बुलाए हैं, बैठक में वार्ता कर उस पर आपसी सहमति से उसका निदान निकाला जाएगा। ये वही संवेदक हैं जो पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। अभी हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू कराए हैं, अभी उनसे उनको बुलाया भी गया है, आगे के कैसे उसको सुचारू रूप से हम लोग चला पाए इसे। तो जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में जलापूर्ति की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी मानगो मंडल के द्वारा पीएचईडी विभाग के लोगों के विरुद्ध मानगो थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मानगो क्षेत्र में पीएचईडी विभाग की लापरवाही के कारण जलापूर्ति पूरी तरह से ठप होने से आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी मानगो मंडल के द्वारा मानगो थाने में पीएचईडी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल थे। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता का कहना है कि आज इस भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं विभागीय अधिकारी के कार्यालय बंद पड़े हैं। ऐसे में लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाए भी तो कहां। पिछले दिनों विभागीय अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए बयान में स्थिति को ठीक करने की बातें कही गई थी, जो क्षेत्र की जनता के साथ धोखाधड़ी है, जिस वजह से हम लोगों के द्वारा विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मानगो में लगातार पानी की समस्या को लेकर आपने अखबार और माध्यम से पता चला था कि 1 अक्टूबर से पानी को बंद कर दिया जाएगा। मेरा यह कहना है कि आप जो भी लड़ाई है सरकार के साथ है, आम पब्लिक का नुकसान हो रहा। मान लीजिए वहाँ पर दिया है, जैसे तो महिलाओं का पर्व है बच्चे के लिए, जो कि महिलाएं रखती है, पानी की बहुत आवश्यकता है। पानी बंद कर देने से समाधान नहीं निकलेगी। समाधान का अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो सरकार के पास जाके बैठिए, मुख्यमंत्री के घर पर जाके बैठिए, आपके क्षेत्र के विधायक मंत्री के घर पर जाकर धरना दीजिए, उन लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। बल्कि पानी बंद कर देने से आम जनता को परेशानी करके इसका कोई निवारण नहीं निकलेगा और एक जनता की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में फैली अव्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर जिला आम आदमी पार्टी के द्वारा एमजीएम अस्पताल के समक्ष धरना दिया जा रहा है। लगातार 2 अक्टूबर तक ये धरना चलेगा। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने अस्पताल में फैले कुव्यवस्था का विरोध जताया। इन्होंने कहा कि इसकी बदहाली को दूर करने की मांग लगातार इनके द्वारा मंत्री से लेकर स्वास्थ्य विभाग से की जा रही है, लेकिन इसे दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। अस्पताल में बेड से लेकर दवाई और डॉक्टरों तक की कमी है, साथ ही साथ अस्पताल परिसर में सफाई भी नहीं है। ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण से पार्टी के द्वारा इनके खिलाफ 5 दिवसीय धरना दिया जा रहा है और इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो उनके द्वारा अनशन किया जाएगा। जमशेदपुर के टेलको स्थित मस्जिद कमेटी में इन दिनों घमासान मचा हुआ है, जहां एक गुट निर्विरोध चुनाव कर प्रतिनिधियों को चुने जाने की बातें कह रही है, वहीं दूसरे गुट के द्वारा इस पर जांच कराए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई है। सोमवार को मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने इस मामले को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने कहा कि पूर्व में 28 सितंबर को सभी की मौजूदगी में 11 सदस्यों का चयन कर कमेटी बना दी गई थी, जिसके बाद गुपचुप तरीके से दोबारा पुरानी कमेटी नए 11 सदस्यों का प्रस्ताव सामने रख दिया और इसे निर्विरोध चुने जाने की बातें कही जा रही है, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। इस मामले को लेकर इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही इस पर कार्रवाई की मांग भी।
का इलेक्शन का बाइकाट किया था और इसमें हमारे कोई भी कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं हुए थे। 23 तारीख को अचानक जो है कमेटी जो है अवैध ट्रस्टी द्वारा बनाकर इलेक्शन किया जा रहा है, जिसका हमने बाइकाट किया था। और हम लोगों ने 28 तारीख को एलानिया मस्जिद के अंदर एक मीटिंग की थी, उसमें सारे लोगों की मौजूदगी में, अहले सुन्नत वल जमात की मौजूदगी और तमाम आवाम की मौजूदगी में एक कमेटी का ऑलरेडी गठन हो चुका है। इसमें 11 सदस्य हैं और हमारे 5 जो है वो हमारे सरपरस्ती में हुआ है, समझा कि नहीं। इसलिए ये जो आज के पेपर में अचानक हमने देखा कि ये 11 लोगों को निर्विरोध चुन लिया गया, इसका हम लोग नहीं मानते हैं। और 28 तारीख को जो हम लोग मस्जिद के अंदर सारे लोगों की मौजूदगी में एलानिया जो ये हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 11 मेंबर को जो है मेंबर का चुनाव कर लिया और वही अब रन करेगी इस कमेटी। आए कि इसका गहन जांच हो, ये 11 लोग किस तरह से जो है निर्विरोध चुनेगा, क्योंकि इसका जो है बाइकाट हमने ऑलरेडी पहले कर चुका है। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के साक्षी मनोकामना मंदिर के पास बने स्टैंड को साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा घेराबंदी कर दी गई है। इससे वहां के वाहन मालिक काफी परेशान हो गए हैं। इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस मामले में मुलाकात कर इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। बताया जाता है कि विगत 10 वर्षों से यहाँ पिकअप वैन चालक अपनी गाड़ी लगाते हैं और वहीं से वाहन चलाकर अपना भरण पोषण करते हैं, जिस पर कुछ दिनों पूर्व अक्षेत्र विभाग ने पार्किंग का बोर्ड भी लगाया था, लेकिन स्थानीय साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा जबरन बोर्ड को हटाकर वहां घेराबंदी कर दी गई, जिसे गाड़ियां अब नहीं लग रही है। इन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर पूर्व में भी जिले के उपायुक्त से बातचीत की जा चुकी है। दोबारा इनके द्वारा सोमवार को जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई। मंदिर के बगल में हम लोग वहाँ पर अपनी गाड़ी लगा करके वहाँ से अपना भरण पोषण करते थे। विगत दिनों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं जेएनएससी के द्वारा वहाँ पर दमगई दिखाते हुए उसको घेराबंदी कर दिया गया।
जिससे हम चालकों एवं मालिकों पर रोड पर आ गए हैं, जिससे हमारी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पर है, जिसको हम लोगों को भरने में कठिनाई हो रही है। विगत दिनों हम लोगों ने उपायुक्त महोदय एवं अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन दिया था कि सर उस पर उचित कार्रवाई करके हमें न्याय दिलाया जाए, तो पुनः अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके लिए हम लोग फिर दोबारा उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं जिस पर न्याय दिलाया जाए। जमशेदपुर का ग्रेजुएट महिला कॉलेज इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। लगातार दो छात्र संगठन आपस में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वैसे इस बार झारखंड छात्र मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आमने सामने है, जबकि पिछली बार AIDSO और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच मारपीट हुई थी। वैसे इस बार भी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई और देखते ही देखते पूरा कॉलेज रणभूमि में तब्दील हो गया। इस मारपीट में दो छात्राएं घायल हो गई है और घायलों का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। उधर हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे कॉलेज को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। यहाँ पे तो डेली का डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ होते ही रहता है। आज क्या कहना मिली? आज को यहाँ पे हुआ कि कोई लड़की शायद यहाँ से सीसी निकाल के चली भी गई है, वही लोग आगे फिर यहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रही है कि नहीं एडमिशन लेना है। मेन तो यहाँ पे एडमिशन को लेके ही हो रहा है। चला जाना फिर एडमिशन लेना फिर मारपीट करना, कोई साथ में आती है वही लोग करती है इस तरह से। मारपीट भी हुआ है? मारपीट हुआ है तो वो थाना में वो लोग निकल गई है, चली गई थाना, चोट भी लगा कुछ। जमशेदपुर में संयुक्त युवा संघ द्वारा राज्य में युवा आयोग की गठन की मांग उठाई जा रही है। इसको लेकर इनके द्वारा जिले के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र भेजा गया है, साथ ही इस पर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस दौरान इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखा। इन्होंने कहा कि राज्य में सभी तरह के आयोग का गठन किया जा चुका है, लेकिन युवा आयोग का गठन नहीं हुआ है। वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने युवा आयोग का गठन राज्य में किया था, लेकिन एक वर्ष बाद उसे तत्कालीन राज्यपाल द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद आज तक इसका गठन दोबारा नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री रघुबर दास ने भी कई बार युवा आयोग के गठन की बातें कही, लेकिन फिर भी इसका गठन नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि युवाओं को सभी वर्ग अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन युवाओं के हितों की रक्षा नहीं होती। राजनेता भी अपने लाभ के लिए युवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल होने के बाद युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। युवा आयोग के गठन होने से युवाओं के हितों की रक्षा हो पाएगी। हमारी यह प्रमुख मानदेय यह है कि झारखंड राज्य की स्थापना जब से हुई है तब से अभी तक युवाओं को आयोग का गठन से वंचित रखा गया है। झारखंड राज्य में महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि मौजूद है। 2012 में अर्जुन मुंडा के द्वारा माननीय जो मुख्यमंत्री थे उस समय उनके द्वारा युवा आयोग का गठन किया गया था और 2013 में राज्यपाल के द्वारा फिर उसे भंग कर दिया गया था। और 2013 से लेकर अभी तक 18 तक बार बार जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास के द्वारा बयान दिया गया कि युवा आयोग का गठन किया जाएगा, पर आज तक युवाओं का उपेक्षा हुई है, किसी तरह से उन्हें लाभ नहीं मिला है। इस सारे मामलों को एक विषय को लेकर हम लोग आज उपायुक्त से मिलेंगे और मांग रखेंगे कि यथाशीघ्र झारखंड में युवा आयोग का गठन हो ताकि युवाओं का कल्याण हो। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा अगर आपसे भी कोई
टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में कुर्मी सेना द्वारा 2 अक्टूबर को शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थान पर एक दिवसीय अनशन किया जाएगा। ये अनशन राज्य सरकार के द्वारा शहीद निर्मल महतो के हत्यारे को रिहा किए जाने की अनुशंसा के खिलाफ किया जाना है। इनके अनुसार शहीद निर्मल महतो के हत्यारे को रिहा किए जाने की अनुशंसा राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष की जानी है। इन्होंने कहा कि शहीद निर्मल महतो कुर्मियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड वासियों के लिए पूजनीय है और उन्हीं के कारण आज झारखंड अलग राज्य है और कुर्मियों के दिल में उनके लिए विशेष स्थान है। उनके हत्यारे को रिहा किए जाने की अनुशंसा का विरोध कुर्मी सेना के द्वारा अनशन कर जताया जाएगा। कि शहीद निर्मल महतो के हत्यारे को राज्य सरकार रिहा करने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा की है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जिस धारा का जो उल्लेख किया गया CRPC धारा 435 के तहत उनको छोड़ा जाएगा, उस धारा में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हत्या आरोपी को उनमें उस केस में छोड़ा जा सकता है। और दूसरी बात है कि इस छोड़ने के विरोध में हम लोग कल शहीद निर्मल महतो समाधि के परिसर में अनशन पर हम लोग बैठने जा रहे हैं एक दिवसीय, और इसके बाद हम लोग गांव-गांव जाके और इस बात को हम लोग रखेंगे कि 22% जो कुर्मी आबादी है, इन लोगों का जन भावनाओं से खेला जा रहा है। और निर्मल महतो जिस समय देहांत हुआ था उस समय आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितनी मतलब जन लोगों का समर्थन मिला था, और अभी भी उस तरह का है समर्थन, अभी भी उस तरह का निर्मल दा के लोग समर्थन में है और उनको मानते हैं, पूजनीय है और हम लोग मसीहा के रूप में है। उनका अगर इस तरह ये करेगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज छात्र संघ के द्वारा कॉलेज में बंद पड़े लॉ कॉलेज को दोबारा शुरू किए जाने की मांग बार काउंसिल के अध्यक्ष के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में इनके द्वारा एक मांग पत्र काउंसिल के अध्यक्ष को सौंपा गया। बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कोल्हान के एकमात्र लॉ कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया बंद है, क्योंकि इसकी इजाजत बार काउंसिल ऑफ इंडिया में लंबित पड़ा है और जब तक वहां से इजाजत नहीं मिल जाती तब तक इसमें नामांकन नहीं किया जा सकता। इस मामले को लेकर इन्होंने बार काउंसिल ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष से इस मामले में मुलाकात की, साथ ही उनसे इस कार्य में मदद की अपील की। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में पिछले 2 साल से नामांकन बंद पड़ी है, जिसके लिए हम लोग लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इससे एप्लीकेशन मिले और नामांकन जल्द से जल्द शुरू हो। इसी प्रक्रिया में आज हम लोग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी से मिलने आए थे। उनको हम लोगों ने पूरी परिस्थिति की जानकारी दी और उनसे मांग की कि आप वो हमारा सहयोग करें ताकि एप्लीकेशन मिल सके। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।